खारिज कर दिया है। इमरान का ये कहना है कि कैद में रहना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है, 9 साल और भी जेल में रहना पड़े लेकिन समझौता नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। पाकिस्तान पर सबसे खराब तानाशाही थोपी गई है, धांधली चुनावों में हुई है और ये तानाशाही है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम परेशान है, बेहाल है। देश को गुलाम बनाने वालों से समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान खान ने स्पष्ट कर दिया है। इमरान खान जो कि पहले ये भी आरोप लगा चुके हैं कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, लेकिन वो अभी भी झुकने को या डरने को तैयार नहीं है। मुनीर और शहबाज से बात करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, 9 साल और भी जेल में अगर उन्हें बिताने पड़े तो मंजूर है लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ वो धोखा नहीं करेंगे। कैदी नंबर 804 का तमगा इमरान को मिला हुआ है और अभी जेल में है, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। जनरल आसिम मुनीर से वो घबराएंगे नहीं, 9 साल और भी जेल में रहेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। तो इमरान खान अपने फैसले पर अटल हैं और उन्होंने कहा कि शहबाज मुनीर को ललकारा है, उन्होंने कहा कि कुर्बानी दे दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा, 9 और साल भी अगर जेल में रहने के लिए मुझे कहा जाएगा तो मैं तैयार हूं, शहबाज मुनीर के सामने कभी नहीं झुकूंगा। शहबाज मुनीर ने देश को गुलाम बना दिया है, देश की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पर तानाशाही थोपी गई है, ये इमरान खान का कहना है जो कि देश की आजादी का जिक्र करते हैं। तानाशाही ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, अर्थव्यवस्था हो या शासन, लोकतंत्र, न्यायपालिका का विनाश हो चुका है। देश की आजादी से कभी समझौता नहीं करूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। उनका ये कहना है कि मुझे अगर मुश्किलें मिल रही हैं, चुनौतियां मिल रही हैं, मैं हंस के सहूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा, पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा नहीं करूंगा। इमरान खान जो कि खुद जेल में बंद हैं, उनका ये कहना है कि 9 और साल भी अगर उन्हें जेल में रहना पड़े तो उन्हें मंजूर है लेकिन आसिम मुनीर के साथ या शहबाज शरीफ के साथ वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। दानिश न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। पहले दानिश, आपका रुख करते हुए, इमरान खान ने स्थापना दिवस के मौके पर जो बड़ी बात कही है उसमें साफ तौर से कह दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, जो डराने की या उन्हें साजिशन उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगा लिए जाएं लेकिन वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे, देश की आज़ादी उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल, पीटीआई के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने जेल से एक संदेश भेजा था कि आवाम के लिए जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मुनीर और शहबाज के बीच लगता है कि अब बातचीत हो जाएगी, जिस बातचीत के बाद अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और अभी कुछ दिन पहले एक व्यापारियों की मीटिंग हुई थी, व्यापारियों ने जिस तरीके से इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि इमरान खान से जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जो राजनीतिक दूरियां बनी है उसको कम किया जाए क्योंकि इससे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, इससे देश में जो आर्थिक मंदी है, जो बदहाली है उससे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। जब राजनीतिक संकट होता है तो आर्थिक बदहाली और चरम पर होती है, इसलिए इमरान खान से अगर बातचीत की वो पहलू उसके वो बात को आगे बढ़ाया जाता है तो ये देश की भलाई के लिए बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से दो टूक लहजे में कल अपने संदेश में कहा कि हम किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, हम तब बात करेंगे जब देश की भलाई के लिए बातचीत होगी, मतलब ये कि 8 फरवरी को जो जनादेश आया था उसका डायरेक्ट कहना था कि जनादेश चोरी किया हुआ है और इसी जनादेश चोरी की हुई सरकार चला रही है जिसको हम मानने को तैयार नहीं है। जनता भी इसके मुखालिफत में थी, जनता भी उसके खिलाफ थी और हम भी उसके खिलाफ हैं। जनता में जो संदेश भेजना चाह रहे हैं वो ये कि हम ही आपके हक की आवाज़ उठाने वालों में से हैं, बाकी सब जिस तरीके से उन्होंने जनादेश का और आपके हक मारी की है वो वाकई में वहाँ की सरकार के लिए एक प्लान तैयार हो रहा था कि अंदर खाने से बातचीत हो जाएगी तो लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन उस पर उन्होंने दो टूक लहजे में ये बात कहते हुए विराम लगा दिया कि हम किसी से फिलहाल बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल, टेररिस्तान या अधर्मिस्तान बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिम्मेदार हैं, इमरान खान का कहना है। और संजीव जी, क्योंकि इमरान खान ने बड़ी बात कही कि तानाशाही देश में थोपी गई है और जिन्होंने देश को गुलाम बना दिया मैं उसके साथ समझौता नहीं करूंगा, देश की आज़ादी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और जेल में रहना मंजूर है लेकिन वो आज़ादी के साथ समझौता नहीं करेंगे, यानी जो उन्होंने अपने लिए नियम बनाए हैं देश के लिए, जो भविष्य के लिए उन्होंने सोचा था, नौजवानों के लिए जो उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया था उस पर वो अभी भी अडिग हैं और इसीलिए देश की जनता उन्हें आज भी पसंद करती है। जी जी बिल्कुल, इमरान खान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो
इस समय पूरे पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनकी जो लोकप्रियता जाहिर है कि वो उसको बनाए रखने के लिए वो लगातार अपनी समर्थकों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, वो हार मानने वाले नहीं हैं, वो किसी तरीके का समझौता वो नहीं करेंगे और एक अपनी जो एक करिश्माई जो लीडरशिप को दिखाने के लिए और अपनी जनता और अपनी समर्थकों के बीच में एक जो उनके अंदर का जो उत्साह है उसको बनाए रखने के लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और ये बयान इस बात को भी दर्शाता है कि इमरान खान आने वाले समय में भी आर्मी और ISI जो वहाँ के वास्तविक शासक हैं पाकिस्तान के, उनके साथ उनका जो एक टसल है, उनका उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और इसका एक जो फॉल आउट ये है कि इस उनको जो है इस तरीके की जो दुश्वारियां हैं, चाहे वो उनके ऊपर 150 केसेस हों, वर्तमान समय में वो स्वयं जेल में है, उनकी पत्नी जेल में है, उनके जो अन्य जो सहयोगी भी जेल में है, तो ये जो उनके अंदर जो उनके ऊपर जो दमन और जो स्टेट क्रैकडाउन चल रहा है वो भी जारी रहेगा, क्योंकि आर्मी और ISI की जहाँ तक बात है वो अपने कंट्रोल को नहीं खोना चाहते और वो इमरान खान जैसे लोकप्रिय शख्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको जो है हर तरीके से लगाम उनके ऊपर लगाने के लिए उनके खिलाफ साजिशें की जाएंगी। तो ये जो टसल है आर्मी और ISI का और PTI और इमरान खान का वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा, ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल। और इमरान खान के सेक्शन से चिंता भी झलकती है कि वो देश के लिए कितने चिंतित हैं, युवाओं के लिए कितने चिंतित हैं, क्योंकि इमरान खान लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि देश की आजादी के साथ वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका। लेकिन मोहम्मद अली शाह, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, इमरान खान एक हीरो के तौर पर भी देखे जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह के उनके अभी एक्शन रहे हैं, भले ही अभी क्योंकि जब चुनाव हुआ था धांधली के बावजूद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं, तब ये कहा जा रहा था, बहुत सारी खबरें आ रही थी कि इमरान खान समझौता कर लेंगे या वो सरकार में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने इस बात से साफ इंकार कर दिया और आने वाले वक्त के लिए भी उन्होंने जेल में रहना मंजूर किया है लेकिन समझौता नहीं करेंगे। जी देखिए, इसकी दो वजह मैं मानता हूँ। पहली बात तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो अपने असूलों के साथ चल रहे हैं, वो समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी वजह मैं एक तरीके से और देखता हूँ कि पाकिस्तान में अभी कोई महफूज है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर घूमने से ज्यादा उनकी जेलें ज्यादा महफूज हैं। बाहर तो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है उनके जजेस के साथ, उनके जजेस को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं। अभी मैं आपको 25 मार्च की घटना बताता हूं, मैं अभी एक महीना भी नहीं हुआ होगा, जहां पे 6 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे, 8 हैं, ठीक है, इनमें से 8 ने में से 6 ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, उनके मेंबर्स को ये बताया है कि उनके जजेस महफूज नहीं है, उनको धमकियां दी जाती हैं, अगवा करने की धमकियां दी जाती हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है। और जो 6 जजेस थे वो के हाई प्रोफाइल जजेस थे जिन्होंने साइन किया था, वो थे मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद साहब, जांगरी, बाबर सतर, सदर इजाज इश्ताक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर, समन राफिद इम्तियाज। तो इमरान खान को लग रहा है कि अगर जब उनके जजेस ही महफूज नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं महफूज रहा हूँ, एक वजह मैं ये देख रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान चाहे आसिफ मुनीर हो, चाहे नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की, मैं एक ही सरकार मानता रहा हूँ एक दूसरे को, दोनों भाई हैं, दोनों एक ही पड़ती चट्टे बट्टे हैं, तो इनकी सरकार कुछ होने नहीं देगी आगे प्रोग्रेसिव, क्योंकि इमरान खान ने मिलिट्री के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल, पाकिस्तान की बदहाली के लिए ये सब जिम्मेदार हैं, ठीक कहा आपने, और यही बात इमरान खान भी कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तान में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है, पाकिस्तान में आम जनता के साथ जज भी सुरक्षित नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान में देर रात घर लौट रहे जज का अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। जज के किडनैप होने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, अदालत की कार्यवाही से लौट रहे थे जज जिनका अपहरण किया गया। घटना के बाद पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बैठक भी बुलाई है, मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। किडनैपर सीनियर जज को अपनी गाड़ी में अपने साथ ले गए, अपहरण जज का नाम शकीरुल्ला बताया जा रहा है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा का यह मामला है जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा हंगामा चल रहा है। इस बीच जज की किडनैपिंग को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान के हालात पहले ही खराब है, आतंकवाद का साया उस पर हमेशा से मंडराता रहा है क्योंकि आतंकवाद को पनाह देता हुआ पाकिस्तान दिखता है, लेकिन अब जज भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता को तो पीछे छोड़ दीजिए। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था टोटली चरमरा गई है।
पाकिस्तान में अब किसी का भी शासन नहीं बचा हुआ है। रोज वहां से ऐसे खबरें आ रही हैं कि किडनैपिंग्स हो रही हैं और लोगों से वसूली की जा रही है, हफ्ता मांगा जा रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है पाकिस्तान में। एक चिंता का विषय ये है कि पुराने समय में, आज से कुछ साल पहले तक, जब भी हम खबर सुनते थे कि किसी जज, एक जुडिशियरी को अपहरण करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 10 साल पहले, 5 साल पहले हम सुनते थे कि शायद ऐसी अगर किसी ने जुडिशियरी पर हाथ डाला है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, शायद ISI के गुर्गों ने किया हो। लेकिन अब तो लगता है कि ISI भी शायद ऐसे वाले केसेस में इन्वॉल्व नहीं है। ये पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी हैं, और जितने ब्लैकमेलर्स हैं, ड्रगिस्ट हैं, चरसिए हैं, ये अब ISI के कंट्रोल में भी नहीं है। और ये लोग अब सीधे ही इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को अपने हाथ में ले लिया है। और आज देखिए, अगर जजेस को अगवा कर रहे हैं, उसका मतलब है जजेस को प्रोटेक्शन देने में वहां की स्टेट पुलिस और फेडरल पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का फेलियर तो है ही। इसके साथ ही अभी कह सकते हैं कि जिन सांपों को पाकिस्तान पाल रहा है वो उसे ही डस रहे हैं। दानिश हमारे साथ है। दानिश, और क्या जानकारी मिल रही है जज की किडनैपिंग को लेकर, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल है? जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा जो कि पहले से अशांत इलाका माना जाता है, जहाँ पर चरमपंथियों का बोलबाला होता है, जहाँ पर आतंकवादियों का बोलबाला होता है, अब वो धीरे धीरे करके अब पंजाब की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब ऐसे में तो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एक जज को किडनैप करते हैं, किडनैप करने के बाद अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है, उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग बैठाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को तलब किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, चीफ जस्टिस ने उनसे बात की, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं लगा, उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है कि आखिर जिस जज को अपहरण किया गया था वो जज कहाँ पे ले गए हैं, वो अपहरणकर्ता किस जगह पे ले गए हैं, किस जगह पे सुरक्षित है भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो संदेशों में अंदेशों के घेरे में है। ऐसे में अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि उनको कहाँ और किस जगह पे ले जाया गया है। यानी अभी जज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जो प्रशासन का फेलियर है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन शासन भी कितने अच्छे से चल रहा है पाकिस्तान में वो भी सब जानते हैं। संजीव जी, हालात कैसे सुधरेंगे पाकिस्तान में, इस बात की चिंता कभी होगी? मुरानों को वहां के अवाम की, वहां के हालातों की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने की चिंता रहती है, और उनका जो सबसे बड़ा ये है कि वो पूरे सिस्टम पे कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। मैं वहां कि आर्मी और ISI की बात कर रहा हूँ, और ये जो आर्मी और ISI है, ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत के जो अन्य जो संस्थान है, जुडिशरी है, उसको भी ऐसा लगता है कि वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि पत्रकार अगवा होते रहे हैं, अनेक जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगवा होते रहे हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। जो कोई भी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ तक कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पत्रकार विदेशों में रह करके भी अगर वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध बोल रहा है, तो जाहिर है कि उनको भी वहाँ पे टारगेट कर लिया जाता है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि केन्या में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, और उसको लेकर के इमरान खान की पार्टी ने इस मुद्दे को पूरा पुरजोर तरीके से उठाया था, और उसकी सफाई देने के लिए DGISI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा वहां पर हाथ उनका दिखाई देता था। अभी जो जुडिशरी में कुछ ऐसे जजेस अवश्य हैं बाकी जो कि वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं, कई बार उन्होंने इमरान खान के फेवर में भी डिसीजंस दिए हैं। तो ये जुडिशरी पाकिस्तान में जो अमन शांति चाहेगा उसी के दुश्मन हजार होंगे, ये बात अब सटीक साबित हो रही है, इसके उदाहरण भी सामने आ रहे हैं इस तरह की घटनाओं के बाद। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म नहीं थम रहा है। जी हाँ, सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों पर अत्याचार जारी है। हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ पुरजोर विरोध देखा जा रहा है। नाराज हिंदुओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है, प्रोटेस्ट किया है। हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा है। हिंदू लड़कियों के अपहरण का सिलसिला भी लगातार जारी है। सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन मतांतरण किया जा रहा है, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित किया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म की हदें पार हो रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर
अत्याचार नहीं थम रहा है। सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों पर अत्याचार लगातार जारी है। हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ हालांकि विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं। नाराज हिंदुओं ने शहबाज सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को किस तरह धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें किडनैप भी किया जा रहा है, लड़कियों का जबरन मतांतरण किया जा रहा है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में किस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। दानिश, ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी हदें पार हो रही हैं पाकिस्तान में। हिंदुओं के साथ छोड़िए, लड़कियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, ये वाकई एक चिंता की वजह होना चाहिए जो शासन को नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और जुल्म ज्यादती की तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं, वाकई खौफनाक हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कोई ये 1947 से लगातार चला आ रहा है। याद कीजिए कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त तकरीबन 21% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन अब मात्र जो है 40 लाख बची हुई है, मतलब कि 1.660 करके बची हुई है। ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा जो हिंदुओं पर जुल्म हुआ है कि आबादी लगातार घटती ही जा रही है। हाँ। और हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि सिखों के साथ, शियाओं के साथ, यानी जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ ये प्रताड़ना लगातार जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही। मोहम्मद अली शाह, ऐसे वक्त में इमरान खान जैसे लीडर की जरूरत ना सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को है बल्कि ये जो हिंदू वहां पर रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो देश को सही ढंग से चला पाए, जो शासन को मेंटेन करे, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। जी, ये देखिए इतनी घटनाएं घट रही हैं पाकिस्तान में, एक नाम बस सामने आ रहा है जो कि इसका हल करता है, वो नाम है कोई भी नहीं, कोई नहीं, यानी कि कोई नाम ऐसा है ही नहीं जो पाकिस्तान का हल कर सके। कोई किसी से कम नहीं है, सब बदमाश है, छठे बदमाश है वहां पे, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, वहां के पानी में या हवा में कुछ है, पता नहीं क्या है। वहां पे माइनॉरिटी के साथ बदसलूकी की जाती है, वहाँ पे जो उनके गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के जो बलूची हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है सब जानते हैं। पाकिस्तान में कोई चीज ढंग की नहीं है, बल्कि मैं आपको अभी हमने इसे पहले जजेस की बात करी, तो मैं अब जब जजेस ही कुछ नहीं है तो हम वहाँ पे कुछ भी बोले। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी तबका है वो बहुत ज्यादा एक बाइपोलर सोसाइटी है पाकिस्तान की, तो उनको अभी ये जो 5वीं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मंसूर अली शाह, उन्होंने बोला कि एक फायर वॉल की जरूरत है, क्योंकि बाहर के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनके जुडिशरी में बहुत इंटरफेरेंस करते हैं। तो जब उनके जुडिशरी में ही इंटरफेरेंस है, उनके पॉलिटिक्स में ही इंटरफेरेंस है। बिल्कुल, मोहम्मद अली शाह, जो पाकिस्तान की स्थिति है उसमें पाकिस्तान की आवाम खुद इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर उनके सामने नहीं है जो, क्योंकि भारत से तुलना की जाती है और बांग्लादेश को लेकर भी तुलना की गई थी कि एक ऐसा देश जो हमारे ही हिस्से से टूटा, लेकिन आज कितना आगे निकल गया है, चर्चाएं बहुत होती हैं, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, शहबाज शरीफ का 2 दिवसीय सऊदी दौरा है। विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग में शहबाज शरीफ शिरकत करने वाले हैं, वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, वैश्विक सहयोग, वृद्धि और ऊर्जा को लेकर उनकी ये बैठक होगी। सऊदी के रियाद में 28 और 29 अप्रैल को बैठक होनी है। शहबाज सऊदी प्रिंस सलमान से मुलाकात भी करने वाले हैं, पाकिस्तान में निवेश की संभावनाओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इमरान खान लगातार कह रहे हैं कि जब तक आप अपने शासन में सुधार नहीं करेंगे, जब तक सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक जो ये निवेश की बातें आप कर रहे हैं ये खोखली साबित हो रही है। यूके देवनाथ, ये जो दौरा है, आपको लगता है कि निवेश की जो संभावनाओं पर चर्चा हो रही है या जो उम्मीद पाकिस्तान कर रहा है वो सफल हो पाएगी? पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही आर्थिक तंगियों से गुजर रहा है, उनकी माली हालत और जो रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम है टोटली कॉलेप्स हो गया है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने भी उनको लोन देने से मना कर दिया है, और तो और यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग एड ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एडीबी है, आईएमएफ है, उन्होंने बार बार पाकिस्तान को बोला है कि आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए। पाकिस्तान में आज कोई टैक्स देकर राजी नहीं है, वहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग भी सरकार से जुड़े होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों के पास बड़े बड़े खेत हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, ये लोग कोई भी टैक्स नहीं पे करते हैं।
और तो और पाकिस्तान में एक और चलन अब ये चल पड़ा है कि रेवेन्यू में पैसा नहीं है, बजट में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सरकार अपने को पावर में रखने के लिए रोज रोज सब्सिडीज और फ्रीबीज बांट रही है। इससे पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमी चरमरा गया है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे तो सऊदी में जाकर भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। पहले उनको अपनी बिल्कुल पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान, जो अब इधर उधर बगले झांक रहा है और उम्मीद कर रहा है कि कोई तो मदद कर दे। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान तहरीके तालिबान ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। स्कूलों में नाच गाना बंद होना चाहिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, टीटीपी का यह कहना है। तहरीके तालिबान ने फरमान जारी किया, फरमान नहीं मानेंगे तो परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। पंजाब के सीएम मरियम नवाज जल्द ही इस पर कार्रवाई करें। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी पांव पसार रहा है टीटीपी, और ये कहा है कि नाच गाना बंद होना चाहिए। नाच गाना बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, आसिफ मुनीर ने माना है कि पाकिस्तान कंगाल है, आर्थिक बदहाली ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है, महंगाई से दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने की जरूरत है, ये खुद आसिफ मुनीर मान रहे हैं। आर्थिक स्थिरता के बिना पूर्ण आजादी असंभव है, विकास की यात्रा में कोई अस्थिरता बर्दाश्त नहीं होगी। कौन से विकास की बात कर रहे हैं संजीव जी? ये देखिए, सिर्फ ये झूठ और फरेब की बातें आसिफ मुनीर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ा वहाँ की बदहाली के लिए जिम्मेदार संस्थान है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की ISI है, वहाँ के वास्तविक शासक यही संस्थान है, जो कि उन्होंने डे वन से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखा है। जब कभी भी ये जो पर्दे के पीछे से जब तक शासन कर पाते हैं वो करते हैं और अपनी आलिशान जीवन को बिताते हैं, लविश लाइफ बिताते हैं, और जब उनको चैलेंज मिलना शुरू हो जाता है तो वो उस पर्दे के सामने भी आ जाते हैं, तख्ता पलट करके शासन करते हैं। और वहाँ के आर्थिक संस्थानों पर भी पाकिस्तान की आर्मी और SI का पर्दे के पीछे से कंट्रोल रहता है, चाहे वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो, बहरिया फाउंडेशन हो, इसी तरीके के अनेक संस्थान बना करके जो पाकिस्तान की आर्मी और SI के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो बिजनेसमैन के तरीके से व्यवहार करते हैं। और विकास की बात करते हैं लेकिन बरगलाने की बात ज्यादा होती है, क्योंकि मुनीर इशारों में इमरान खान पर भी हमला कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जनता को नकारात्मकता से के भंवर से बाहर निकालना होगा और नकारात्मक लोगों को करारा जवाब देना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए अफवाहें फैलाते हैं, इसके लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली कार्रवाई की जाएगी, जो भी अभ्रमित करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, नकारात्मक लोगों के खिलाफ लामबंद होना होगा, एकजुट पाकिस्तान नकारात्मक ताकतों को हरा सकता है, ये उनका कहना है। आसिफ मुनीर अब जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं संजीव जी कि कहीं ना कहीं जो लगातार कोशिशें की जा रही इमरान खान की ओर से भड़काऊ भाषण उनके बारे में कहा जाता है कि वो देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली शाह ये बताइए कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की जनता के लिए उनका कहना है कि वो करते हैं, लेकिन आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि ये इमरान खान नकारात्मकता फैला रहे हैं, पाकिस्तान में सकारात्मकता है कहाँ? आपने सही बोला वंदना जी, पाकिस्तान के अंदर सकारात्मकता है ही नहीं, वहाँ पे कोई ना लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे ना ही इनकी कोई डेमोक्रेसी है, वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ बदसलूकी होती है, वहाँ पे स्कूल में बोलते हैं कि नाच गाना बंद होना चाहिए, अश्लीलता ना मत फैलाएं, वहीं पे किसी तरफ वहाँ पे उनके जो जज हैं हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद के जो जज हैं वो पिटीशन फॉर्म करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्लब किया है 10 पिटीशन को एक साथ, उसमें से एप्लीकेशन निकाले हैं कुछ, उसमें से जो हेड करा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैज ईसा वो हेड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी सतीश श्रीवास्तव ने रिटायर्ड ऑफिसर्स की बात की थी वहाँ से, तो उनके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के उनके जो चीफ जस्टिस हैं ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी वो एक हेड करेंगे पैनल, उन्होंने उस पैनल को हेड कर रहे थे, उसमें से पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि इसकी खास वजह ये थी कि बिल्कुल जब ये हाई कोर्ट जजेस ने एक अपील की थी तो उसमें से जिसमें बिल्कुल मोहम्मद अली शाह, क्योंकि एक दूसरे पर भले ही ठीकरा फोड़ रहे हों लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है उसके लिए सारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं, क्योंकि आगे भविष्य में भी पाकिस्तान की हालत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, UK देवनाथ जी, आपका भी शुक्रिया। दानिश, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।